वो देख रहे हो वहाँ पे, ये चेक करो, मतलब बादल हमसे नीचे हैं और हम बादल से ऊपर है भाई। तो ये वायर के पता नहीं, अब मुझे नहीं प्रॉपर पता कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ कोई भी वायर ना क्रॉस नहीं करनी है। अब वो कुछ बॉर्डर एरिया क्या क्या, वो कैसे उधर वो खड़ा था। अच्छा बाकी रूम दिखा देता हूँ, रूम भाई टेंट दिखा देता हूँ कि कैसा है। चेक गाइस, गाड़ी चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ना, मतलब अब पता नहीं बाइक कैसे चढ़ा रहे हैं कैसे नहीं चढ़ा रहे हैं, बट इतना मुश्किल तो नहीं है जिस तरह लग रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे, आप सबका मैं आपका दोस्त सादिक मलिक। सो आज है ब्लॉग का सेकंड डे, सब फ्रेश हो चुके हैं, रेडी शेडी सारे हो चुके हैं। अभी फिलहाल चल रही है पैकिंग, जो होटल था ना अपना वो हम लिविट कर रहे हैं, क्योंकि मे बी हम यहाँ से वापस आए जगह नहीं आए वो पता नहीं, क्योंकि आज तो हमें गुरेज रुकना है, देन उसके बाद वापस आएंगे। वहाँ से मेरा प्लान जो बन रहा है, हमारा प्लान जो बन रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हम ना यहाँ से सीधा पहलगाम चले जाएंगे। देखो क्या होता क्या नहीं होता वो ऑन द स्पॉट ही पता चलेगा। चलो यहाँ से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, देन उसके बाद फिर निकलते हैं गुरेज के लिए। गुरेज की जो टाइमिंग है ना वो 2 बजे से पहले पहले अगर बांडीपुरा वगैरह क्रॉस कर जाते हो ना, जो भी रिस्ट्रिक्शन एरिया है वो क्रॉस कर जाते हो ना, उसके बाद आप आराम से मतलब गुरेज तक पहुँच सकते हो। जितना भी सारा ना सामान वगैरह वो गाड़ी में रख दिया है, तो निकलते हैं यहाँ से मस्त करके। और भी काफ़ी सारी चीज़ें ना जो हमने रास्ते में करनी है, तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इसको भी थोड़ा बहुत पानी से मरवाना है, क्योंकि अब दिक्कत कर रही है इनमें टायरों के ना, ब्रेक्स के अंदर थोड़ा गंद चला गया, जिसके अंदर ब्रेक था थोड़ी सी कम लग रही है। क्योंकि कल हम गुलमर्ग गए थे ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। और 4x2 मैंने बताया जैसे पिछली बार वीडियो में, 4x2 अगर आप कहीं आते हो ना तो लेके, तो ऐसा कोई काम नहीं करो कि यहाँ से आपकी गाड़ी फंसे भाई, क्योंकि कल हमारी गुली में फंस गई थी, तो आपने देखा वो वीडियो के अंदर। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, दिखाते हैं क्या ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, देन अभी फिलहाल ना काफ़ी कुछ मतलब खाने का मन करता, मतलब इससे मैं कल से इतना मतलब कुछ मज़ा नहीं आ रहा फ्रूट के अंदर, बट ये कि हमने सोचा कि अभी फ्रूट खाएंगे, देन उसके बाद लच्छे वाली कुल्फी मिल गई, सो हमने कल लच्छे वाली कुल्फी खा लेते हैं। मतलब चिकन खा खा के ना, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी होगी ना अंदर पूछे मत। तो फिलहाल अभी फ्रूट वगैरह पैक करवाया हमने, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा लोकेशन पहुँचे कहाँ नहीं पहुँचे, ये कुछ बांडीपुरा से आगे पड़ती है। चलते हैं थोड़ी गाड़ी को आगे तरफ वॉश करवाते हैं, देन उसके बाद फिर लंच तो मेरे ख्याल से बांडीपुरा क्रॉस करने के बाद ही करेंगे। ब्रेकफास्ट हमने लेट किया था, तो देन इसलिए जो लेट ही करेंगे लंच भी। तो चलते हैं निकलते हैं, रास्ते में जो भी अपडेट्स होंगे वहाँ के व्यू होगा वो आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून एंड एंजॉय योर लाइफ। हम लोग आ चुके हैं, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी वाली है, मे बी हम बांडीपुरा से ना काफी आगे आ चुके हैं। आई थिंक सो कि बांडीपुरा का बाजार है कि क्या है वो नहीं पता, बट ये पहाड़ देख रहे हो आप ऊपर भाई साहब, इस पहाड़ को पूरा मतलब क्रॉस करना है। ऐसे 3 पहाड़ और आएंगे, देन उसको क्रॉस करने के बाद ना फिर जाके हम कहीं गुरेज वैली पहुंचेंगे। मे बी अभी काफी टाइम लगने वाला है, 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं वहां पहुंचते पहुंचते, एंड देखो कब तक पहुंचेंगे। अभी टाइम जो अप्रॉक्स हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 1 बजने वाला है, ये एग्जैक्ट टाइम है कि 1 बजने वाला। अब काफी लोग पहुंचेंगे वॉच है नहीं, टाइम का बता दे भाई साहब, टाइम देख के फिर हम बता देंगे टाइम इतना हो चुका है। आगे चल रही है आर्मी, तो हमें कैमरा बंद करना पड़ेगा। चेक कर रहे हो ये जो लेक दिख रही है ना आपको, ये अपनी है बुलर लेक। बताया जाता है कि ये वर्ल्ड की ना सबसे बेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, बताया जाता है मुझे, सुनने में आया, बाकी ऊपर वाला जाने क्या है क्या नहीं है। ये भी ये देख रहे हो सनसेट पॉइंट, और यहाँ से हम रास्ता चढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। देख रहे हो वहाँ से रास्ता, देख रहे हो वो रास्ता वहाँ से निकलेगा, देन फिलहाल गोल टर्न करके ना मतलब एक पहाड़ी चढ़ना, फिर दूसरी पहाड़ी पे, तीसरी पहाड़ी पे भाई साहब। मतलब जितना भी सफर है ना सब पहाड़ियों से है, देखो सफर है ना वो कम से कम भी 80 किलोमीटर तो सी पहाड़ी है, मतलब अगर स्टेट हो तो चल जाता है, जब आपको कब पूरा जाना पड़ता ना तो तब बड़ी मुश्किल होती है। अब सो कि आगे कहीं रुकाए ना, एक दो जगह ऐसी जहाँ पे हमें ना रुक के पूरी अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ती है, सब कुछ बताना पड़ता है कहाँ से आए कहाँ से नहीं, वो चीज़ आगे आर्मी वाले करते हैं। सो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, हम सब कुछ अकॉर्डिंग टू लॉ होगा ना वैसे जाएंगे। सो लेट्स सी निकलते हैं आगे। वैसे वेदर चेक कर रहे हो आप किस हिसाब से, मतलब हम उस जगह से आए हुए हैं पूरा क्रॉस करके हाइट पे आ चुके हैं, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, बाकी ये लोंडे सारे गए हुए हैं, ये भी गए हुए हैं, ये भी गए हुए हैं, ये नहीं किया मैं भी गरीब आदमी नहीं गया अभी तक। सो इसलिए भाई साहब हम जा रहे हैं ऊपर, इन्होंने बड़ी ज्यादा तारीफ कर दी है कि उस एरिया के बारे में, मतलब बोला जाता है कि मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। अभी सारे डाउट्स हमारे माइंड में जो हमने अभी क्लियर करने इनके साथ, और आधे ज्यादा तो क्लियर हो गए, बस कुछ डाउट बचे हैं जो ऊपर जाकर क्लियर होंगे। मैं सोचता की यहाँ पे आबादी बड़ी कम होगी, बट नीचे ना आबादी काफी ज्यादा है भाई साहब। सो ऊपर जाके थोड़े थोड़े घर अब कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे मौसम वगैरह खराब हो चुका है, बारिश आने के फुल आसार है। सो चलो नेक्स्ट ही देखते हैं आगे क्या होता है इन फ्रंट ऑफ फेस। अभी हम गुरेज से ना काफी पीछे हैं, अप्रोक्स लगा लो कि अभी 40 से 45 किलोमीटर पीछे हैं। सो हम आ चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, खुला मैदान, देन कुछ यहाँ पे खाने पीने की जगह है। तो आपने देख ही लिया होगा हमें जैकेट डालने की जरूरत पड़ गई है, जैसे हाइट में जाते जा रहे हैं ना, सो वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। वहाँ पे कुछ है कर रहे हो, आई थिंक सो मेडिकल है। वाह
सो यहाँ पे ना इन लोगों के लिए मेडिकल कुछ शॉप वगैरह बनाई गई है, ग्रा मेडिकल ही है। मतलब जैसे जैसे ऊपर चलते जा रहे हैं ना, सो बादल हमारे साथ मिलते जा रहे हैं, हमें कुछ इस तरह की लोकेशन में जाना है, इस तरह की भाई साहब। कल यहाँ पे बैठते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, देन फिर आराम से निकलते हैं। सो एक जगह तो चेकिंग हो चुकी है, अब नेक्स्ट दो जगह बचती है, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, देन ना फिर डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवाने पड़ते हैं। तो चलो हम बैठते हैं, थोड़ी रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। खाना वगैरह तो मिलेगा नहीं, बट ये चीज़ें मिल रही हैं, ब्रेड ऑमलेट हो गया, ठीक है, मैगी होगी, पानी हो गया, बस ये चिप्स वगैरह हो गया। सब चिप्स वगैरह तो खाने से बेटर है कि हम कोई अच्छी चीज़ खा लें। सो इन जगह बैठ के ना मुझे एक रील याद आ रही है, टावर नहीं, यहाँ पे अगर टावर होते ना तो वाली रील बनाते, अगर आप पहाड़ों पर आपने मैगी नहीं खाई तो समझ लो कुछ नहीं खाया। वाइस खाते हैं पीते हैं, दन फिर निकलते हैं यहाँ से। हम पहुँच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, यहाँ पे ना मतलब कुछ जगह ऐसी हैं कि बादल बिल्कुल साथ में है। सो बट ये जगह चेक कर रहे हो, यहाँ पे रोड नहीं है, बट ये है कि रोड पता कौन सा वाला है, ये देखो सीमेंट का रोड है पूरा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ बर्फ पड़ती है, यहाँ पे ना रोड पर बंद रहता है, तो मे बी यहाँ उसके लिए रखा हो, पता नहीं किसने रखा हो, पता नहीं, ये ना तो लुक है यहाँ पे ना तो टाइल्स है, बट ये कुछ और ही अलग चीज बनाई हुई है। टेम्परेचर मैं बता दूँ आप लोगों को, माइनस तो नहीं है, बट ये कि 12 डिग्री पे टेम्परेचर है इस साइड। सो ये चेक करो भाई साहब, ओहो अब यहाँ से व्यू चेक करो, वो देख रहे हो वहाँ पे, ये चेक करो, मतलब बादल हमसे नीचे हैं पर हम बादल से ऊपर है भाई। ये चेक कर रहे हो भाई साहब, वो देख रहे हो वहाँ पे ऊपर स्नो भी है, बट ये है कि यहाँ पे वेदर जो है ना, ओ माय गॉड, बादल बिल्कुल पास में है। सो ये चेक कर रहे हो भाई, मस्त मौसम है यहाँ पे। सो दिल कर रहा है यहाँ पे उतर के ना रील्स वगैरह कैप्चर करें। भैया क्या हुआ, वो कैसे? अच्छा बाकी सब ठीक है ना? हाँ बाकी सब ठीक है, बढ़िया। सो गाइस यहाँ से जा रहे थे तो भैया की ना बम्पर निकल गया था, सो हमने कहा कि चलो हेल्प कर देते, भैया कहते नहीं अब फिलहाल ठीक है, अब जोड़ दिया उन्होंने। सो ये देख रहे हो हम टॉप से नीचे आ रहे हैं इस टाइम, तो चलते नीचे जाके जो मेन पॉइंट है ना ग्रेस वैली का, वहाँ पहुँचते हैं, देन उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। ये चेक कर रहे हो हम कुछ इस तरह की लोकेशन पे आ चुके हैं, देख रहे हो यहाँ पे मैक्सिमम रास्ता जो है ना आगे से ऊपर से जब डाउन आता है नीचे को, तो मैक्सिमम रास्ता कच्चा ऐसा है, कहीं कहीं जगह ना गाड़ी नीचे लग भी रही है, गाड़ी काफी डाउन में है, तो उस चक्कर में गाड़ी थोड़ी टच हो रही है, बाकी अदरवाइज रोड का कंडीशन थोड़ी सी खराब है। तो यहाँ देख रहे हो आगे बताया जा रहा है कि एक डैम भी है, सो ये चेक कर रहे हो, चेक करो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो आर्मी एरिया होता है ना, सो वहाँ पे ना तो आप कैमरा यूज कर सकते हो, ना तो कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पे ड्रोन वगैरह लाना बिल्कुल मना है, अगर कोई बंदा आता है सो भाई ड्रोन बिल्कुल ना निकाले, क्योंकि ये ना मतलब आर्मी एरिया है, यहाँ पे ड्रोन निकालना बिल्कुल मना है। आपको स्टार्टिंग में बता देंगे क्या करना क्या नहीं करना, बाकी ये ना काफी मतलब बॉर्डर के रिलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ से रहना है, क्योंकि ज्यादा हरकतें कुछ नहीं करनी जिससे मतलब तुम्हें कुछ रिकावट हो वैसा। सोचा कि यहाँ पे आबादी बड़ी कम होगी, बट यहाँ पे भी काफी ज्यादा घर है, और ग्रेस वैली यहाँ से 4-5 किलोमीटर रह चुका है, प्रॉपर ग्रेस वैली पहुंचते हैं ना तो फिर जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे किस तरह का व्यू है, क्या क्या चीजें वहाँ पे हैं, वो आपको सब ऑन द स्पॉट ही दिखा दूंगा। ये चेक कर रहे हो यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता है, पता भाई इस डैम का नाम क्या है और किस पर्पज के लिए बनाया गया। ये देख रहे हो यहाँ पे एक मस्त सा डैम बनाया गया, और देख रहे हो फिलहाल अभी तो ये ना एक गेट ओपन है, इसके 3 गेट है, यहाँ से पानी निकलता है, और ये पानी जो है ना सारा ये इसी जगह डैम से जा रहा है, वहां से दिखा पाए आपको डैम में कितना पीछे पानी क्या नहीं है। चेक कर रहे हो पानी की कलर, देख रहे हो मे बी आपको पानी का कलर आपको यहाँ से दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, बट ये पूरा ना होता ब्लू टाइप का, नीले टाइप का कलर है, उस साइड देख लो वो ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है, पता नहीं अब यहाँ पे रुकने नहीं देते हैं, ना तो चेक करने देंगे क्या चीज है क्या नहीं है। काफी ज्यादा पानी यहाँ पे स्टोर किया गया भाई, चेक करो गाइस, वाओ पता नहीं ये पानी कितना ठंडा कितना नहीं, क्योंकि बर्फ का पानी सारा वो पूरा ना पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो ये काफी ज्यादा ठंड होगा यहाँ तक मुझे लगता है भाई साहब। वो सामने वहाँ देख रहे हो वो है ग्रेस वैली, ये 2-3 टर्न है जो कवर करने हमने, देन उसके बाद फिर हम प्रॉपर ग्रेस वैली पहुंच जाएंगे, और अप्रोक्स पता क्या टाइम हो रहा है अभी, सो मैं आपको रील में बताता हूँ कितना टाइम हो रहा है। सो ये देख रहे हो 5:32 हो चुके हैं, तो इट मीन्स कि भाई हम कब चले थे, हम चले थे यहाँ से 11 बजे, रास्ता इतना काफी ज्यादा खराब था, तो उस चक्कर में ना हम लेट हो चुके थे, सारे कव थे मतलब ब्लाइंड मोड था सारे, तो इसलिए ना तभी हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं, 5-6 घंटे लग चुके हैं यहाँ पहुंचते पहुंचते, अब यहाँ से निकल रहा हूँ वापस, तो नहीं निकल पाएंगे वापस, इसलिए हम ना रात को यहीं कैंपिंग वगैरह करेंगे। अगर कैंपिंग वगैरह वहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत होगी वॉशरूम की, अगर वॉशरूम वगैरह वहाँ मिल जाता है तो सबसे वैलिड गुड है, फिर हम कैंपिंग आराम से कर सकते हैं। अगर बाकी खाना शाना नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया कि वॉशरूम हमें चाहिए चाहिए, अगर वो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर हम कहीं होटल में जाएंगे, फिर होटल में नाइट स्टे करेंगे, देन फिलहाल तो 90% जो प्लान है ना वो हमारा कैंपिंग का ही है। सो बाकी जो प्लान था ना कि भाई हम ना थोड़ा बहुत ट्रैकिंग वगैरह करेंगे, बट हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये अब ये देख रहे हो वायर, सो ये वायर के पता नहीं, अब मुझे नहीं प्रॉपर पता कि इसके पीछे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ कोई भी वायर ना क्रॉस नहीं करनी है, बट एरिया क्या क्या, ओ
सो ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दी थी, इसलिए थोड़ी सी क्लोज कॉल हो गई थी। आगे जाके देखते हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे पूरी प्रॉपर पूछते हैं कि भाई ये कैसा एरिया है, कौन सा बॉर्डर एरिया है, कहाँ से कुछ वो ही बता सकते हैं क्योंकि लोकल होंगे तो वही सब कुछ मतलब पूरी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है ना तो वही देंगे। तो चलो आपको मिलाते हैं यहाँ के लोगों से और बताते हैं कि यहाँ पे चीज़ें क्या क्या खाने को मिल जाएंगी, मतलब कैसा रहता है, विंटर से बंद रहता है कि कैसी बर्फ रहती है, क्या क्या रहती है, वो आपको थोड़ी देर में उनसे मिलकर बता देते हैं। हम पहुँच चुके हैं अपनी लोकेशन पे जिस जगह हमें आना था, बट क्या है कि यहाँ पे रास्ता काफी ज्यादा खराब है। ओ भाई साहब, चलो 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 चलो, ये देख रहे हो यहाँ से ना, मतलब मुझे लगा था कि फ्रंट वाला बम्पर लग जाएगा पर लग गया ना भाई साहब, तो चित्र हो जाएंगे। उस साइड रखो, उस साइड, उस साइड, उस साइड, उस साइड, वेल साइड करो, तो आने दो, आने दो। मतलब एक बंदा गाइड करना ही पड़ता है यहाँ पे, वरना मुझे क्यों लग रहा है फ्रंट वाला बम्पर जाएगा। वाह, और नीचे भी गाड़ी टच हो रही है, ब्रेनों को ज़्यादा आई थिंक सो कि बलिनों कुछ ज़्यादा डाउन पे टच होती है। सो यहाँ देख रहे हो कुछ इस तरह का व्यू है कैंपिंग के लिए। इस जगह पे देख रहे हो कितने सारे मतलब टेंट लगे हुए हैं, सो वहाँ पे भी हैं तो उस जगह भी हैं। अब पता नहीं कहीं से आगे से मेरे ख्याल पुल भरा होगा जो कि उनसे जाना पड़ता होगा, वो घर है कि होटल है वो नहीं पता। सो चलो निकलते हैं आगे, जाकर किसी टेंट वाले से बात करते हैं, बात से हम कहीं बैठ के आराम से नेक्स्ट वाला ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये आ चुकी है ग्रेस वैली कैंपिंग साइड, सो चलते हैं अंदर। यहाँ देख रहे हो कितने सारे टेंट है भाई, मौसम कितना मस्त है, सो चलते हैं अंदर देखते हैं भाई साहब। पानी का फ्लो इतना तेज है ना गाइस, हम लोगों ने अपना टेंट वगैरह ओके कर लिया है। सो ये देख रहे हो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क हो चुकी है, अब हमें यहाँ से क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ने यहाँ पे सबसे पहले आए, हमने फोटो तरह क्लिक किए, वीडियो तरह क्लिक की, देन उसके बाद फिर हम जाके ना अंदर गए। फोटो से टेंशन थी कि वॉशरूम की, अगर वॉशरूम मिल जाता है तो फिर भाई हम सब ये टेंट में रह लेंगे। वॉशरूम मिल चुका है, सो वॉशरूम रहा ये, देन छोटा है फिर भी एडजस्ट करना पड़ेगा। सो हमने टेंट था इधर, छोटे टेंट भी थे, बड़े टेंट भी थे, वो था वहाँ पे तीन बंदे आ सकते हैं, इसमें दो बंदे आ सकते हैं, ये जो है ना इसमें 10 बंदे आ सकते हैं। तो हमने सबसे बड़ा टेंट लिया हुआ है क्योंकि हमें जब रात को ना हमने बैठ के गपशप मारनी होती है, लेट नाइट सोना होता है, तो उस चक्कर में ना आने के बिल्कुल नजदीक ये देख रहे हो, आपको अपना रूम दिखा देता हूँ, रूम हिंदी में भाई टेंट दिखा देता हूँ। गाइस ये चेक कर रहे हो, हमने गन डालना स्टार्ट कर दिया, वो पड़ी है चाय, देन फिलहाल अभी तक ये आ चुका है। सो ये देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल पानी के किनारे, रात को यहाँ पे बॉनफायर करेंगे, देन उसके बाद ना यहाँ पे अपना मस्त चिल करेंगे, खाएंगे पियेंगे, फिर उसको एंजॉय करके निकल जाएंगे। वो देख रहे हो सामने पार, वहाँ पे भी अगर आप आओ तो अपनी पर्सनल भी टेंट वगैरह लगा सकते हो। देन ये चेक कर रहे हो भाई साहब, वाह ये चेक करो पूरा, मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेंट ही टेंट है। फिलहाल अभी प्लान क्या बना है, अभी प्लान बना है कि हम जाएंगे फिलहाल अपना खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत, देन उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर रात को वापस आके यहीं बैठेंगे क्योंकि यहाँ मार्केट ना जल्दी बंद हो जाती है, भी काम करना बट जल्दी करना पड़ेगा। सो चलो गाइस फिलहाल आपको बाजार दिखाता हूँ कि बाजार में क्या क्या है। सो यहाँ पे गाड़ी चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एरिया थोड़ा सा ना मतलब अब पता नहीं बाइक कैसे चढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं चढ़ा रहे हैं, बट इतना मुश्किल तो नहीं है जिस तरह लग रहा है। वाह, सो अपनी आई ब्लेनो, वाह इस गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है भाई साहब, तो मुझे लगता नहीं है कि गाड़ी चढ़ेगी, अगर चढ़ी तो लग जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। वाह